दोस्तों, हम जब भी नींद से जागते हैं तो अक्सर देखते हैं कि हमारे मुंह से लार निकलती है या उसकी रेखाएं सूखी हुई हमारे मुंह के पास पड़ जाती हैं। वहीं कई बच्चे जब सोकर उठते हैं तो उनके मुंह से लार बह रही होती है। आमतौर पर यह समस्या बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी देखने को मिलती है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हम आपको इसका कारण क्या है ये बताते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है जब हम सोते हैं तो लार बहने लगती है। दरअसल कोई बच्चा गहरी नींद से सोकर उठता है तो उसके मुंह से किनारे की तरफ लार की पतली सी धार बह रही होती है। हालांकि सोते हुए लोगों के मुंह से लार बहना बहुत आम बात है, लेकिन कई बार ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी होता है। आइए पहले जानते हैं कि नींद और लार के बीच क्या संबंध है। वहीं सबसे पहले बात करते हैं कब बहती है लार। दोस्तों, जब हम नींद में होते हैं तो हम और हमारे चेहरे की नसें आराम के मूड में नजर आती हैं। इस दौरान जब आपके लार के ग्लैंड्स लार तैयार करते हैं तो वो बहने लग जाती है, क्योंकि आप उसे निगलते नहीं हैं। वहीं अगर हम जब जागते हैं तो लार बनती है तो उसे निगल लेते हैं। यही वजह है जो हमारी सोते हुए लार बहती है। तो आपने देखा होगा कि लोग आमतौर पर तब उनकी लार बहती है जब आप करवट लेकर सोते हैं। हम आपको बताते हैं कि लार बहने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। इनमें एलर्जी भी सबसे बड़ा कारण होती है। लार बहने का कारण एलर्जी भी हो सकती है। दोस्तों, खान पान की चीज़ों से होने वाली एलर्जी और नाक से संबंधित एलर्जी की वजह से लार का अधिक निर्माण हो सकता है और वह बह सकती है। शरीर में लार बनने वाले अलग से ग्लैंड्स होते हैं। सोते समय जागते समय की अपेक्षा अधिक लार का निर्माण होता है। वहीं एसिडिटी भी इसका बड़ा कारण होती है। लार बहने के मसले को लेकर वैज्ञानिकों की अपनी अलग राय है। उनका मानना है कि एसिड रिफ्लेक्स एपिसोड्स के कारण गैस्ट्रिक एसिड होता है, जिससे एसोफागोस्लावरी उत्तेजित होता है और बहुत अधिक लार बनने लगती है। साइनस इन्फेक्शन भी इसका मुख्य कारण है। साइनस में होने वाला इन्फेक्शन बहुत हद तक लार बहने को लेकर जिम्मेदार होता है। श्वास नलिका के संक्रमण आमतौर पर सांस लेने और निकलने की समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं। इन समस्याओं में लार जमा होने से मुंह से बहने लगती है लार। फ्लू के कारण जब नाक बंद हो जाती है तो आप खास तौर पर रात को अपने मुंह से सांस लेते हैं और ऐसे में आपको मुंह से लार बहने लगती है। सोते हुए डरना। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को सोते हुए डर लगता है। इस समस्या का एक लक्षण लार बहना भी है। युवाओं में साइकोपैथोलॉजिकल कारण से ये समस्या होती है। ऐसा उनके भावनात्मक तनाव में होने वाले ड्रग एंड अल्कोहल लेने के कारण और नींद में कमी के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार नींद से जुड़ी अन्य समस्याओं जैसे नींद में चलना, नींद में बात करना आदि में भी लार बहती है। वहीं ड्रग्स और केमिकल्स का सेवन भी आपके लिए खतरनाक होता है। ड्रग्स और केमिकल के कारण भी लार का निर्माण होता है। अगर आप कोई दवाई या ड्रग्स ले रहे हैं तो सोते हुए लार बहना आपके लिए बहुत आम बात हो सकती है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट और दवाएं जैसे कि मॉर्फिन, पिलोकार्पिन आदि लार का निर्माण बढ़ा देती है। तो ये थे वो बड़े कारण जिस वजह से हमारे मुंह से लार बहने लगती है जब हम सोते हैं। तो लार बहने के ये वैसे कारण थे जिनको हम एक तरह से समस्याओं के रूप में भी देख सकते हैं। तो आप भी अगर ऐसे लार की किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका तुरंत तुरंत इलाज करवाएं। क्यूरियन हेल्थ टेक्स की रिपोर्ट।